हेलो दोस्तों, अमरीश इलेवन टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिटैची डीसीई इन्वर्टर एयर कंडीशनर, आप देख सकते हैं इस तरह से, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं कि इंडोर का फैन मोटर नहीं चल रहा है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं वीडियो कि किस तरह से इसका लाइट ब्लिंक हो रहा है। आप गिनती करेंगे, काउंट करेंगे कि कितनी बार लाइट ब्लिंक हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लाइट जो ब्लिंक होता है वो 12 बार ब्लिंक हो रहा है। लाइट ऑपरेशन लाइट जो है 12 बार ब्लिंक हो रहा है। इसका क्या फॉल्ट है, इसके क्या रीज़न है? जाहिर सी बात है कि एरर है, इसमें लाइट ब्लिंक हो रहा है, एरर है, तो ये काम नहीं करेगा। एसी काम करेगा, इंडोर काम करेगा तो आउटडोर नहीं करेगा, आउटडोर काम करेगा तो इंडोर नहीं करेगा। कोई कुछ भी ऐसा है कि कूलिंग नहीं देगा, सिस्टम काम नहीं करेगा पूरा कंप्लीट। तो इसमें क्या फॉल्ट होता है और इसे कैसे फाइंड आउट करें और इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश इलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए कम्प्लीट हम सीखते हैं कि आखिर क्या फॉल्ट है जिसके वजह से इसमें 12 बार ऑपरेशन लाइट ब्लिंक हुआ है और इसका इनडोर ब्लोअर मोटर काम नहीं कर रहा है। तो चलिए प्रैक्टिकल सीखते हैं। तो ये हमारे पास स्प्लिट डीसी स्प्लिट एयर कंडीशनर का, जो कि हिटैची का है। हिटैची डीसीई इन्वर्टर एयर कंडीशनर का इंडोर है, जिसमें क्या हो रहा है कि इसका इंडोर नहीं चल रहा है, यानी कि इसका ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है। इसे फाइंड करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें सप्लाई इनडोर में पहले जा रही है, न्यूट्रल फेस इनडोर से लेकर के आउटडोर को जा रही है और आउटडोर से लेकर के इनडोर के पीसीबी तक एक कम्युनिकेशन वायर का वायर लगा होता है, जो कि कम्युनिकेट करता है आउटडोर से इनडोर के लिए, जो कि सिग्नल भेजता है इधर के उधर कि क्या फॉल्ट है उसमें। अगर कोई फॉल्ट है तो काम नहीं करेगा, कब कंप्रेसर को चलाना है, कब कंप्रेसर को बंद करना है, फैन मोटर को कब चलाना है और सेंसर को कब काम करवाना है, कब कंप्रेसर को बंद करना है, पूरा सिग्नल कम्युनिकेशन वायर के जरिए के कम्युनिकेशन वायर की मदद से ये काम होता है। तो इसमें इंडोर का ब्लोअर नहीं चल रहा है। तो इंडोर का पीसीबी हमने खोल के देखा है, पीसीबी में तो कोई फॉल्ट नहीं दिखा है, उसका जैक भी सही है, मोटर भी सही है, लेकिन कुछ इसका हो सकता है कि आउटडोर के पीसीबी में कुछ फॉल्ट हो या फिर कम्युनिकेशन वायर में कुछ गड़बड़ी हो, जिसकी वजह से इंडोर नहीं चल रहा है, इंडोर का ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं इस यहाँ पर लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, 12 बार ऑपरेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से 1 से लेकर 12 तक ये लाइट ब्लिंक हो रहा है और ये काम नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है कि एरर रहेगा तो फिर इसमें कहाँ से चलेगा, इंडोर या फिर आउटडोर। तो अभी हम चल करके आउटडोर के पीसीबी में देखते हैं या फिर कंप्रेसर के टर्मिनल पर देखते हैं या फिर कम्युनिकेशन वायर कंप्लीट हम चेक करते हैं कि एक्चुअल इसमें फॉल्ट क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा आउटडोर है, आउटडोर को जब हम खोलते हैं, इसको खोलने के बाद ये आप देख सकते हैं आउटडोर पीसीबी है। आउटडोर पीसीबी में किस तरह से आग लगा हुआ है, छोटा बड़ा अगर कोई रेजिस्टेंस जल जाए तो कोई बात नहीं, उसे बदल देते हैं, या फिर उसमें रिले ख़राब हो या फिर कुछ और रिएक्टर ख़राब हो उसे बदल देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पीसीबी में पूरा आग लगा पड़ा है, आग लग गया है पीसीबी में, ये पीसीबी रिपेयर करने के लायक नहीं है, पीसीबी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। इसमें इसके पार्ट जो नीचे लगे हुए हैं वो पार्ट ख़राब हो चुके हैं, जल चुके हैं। इसका मतलब है, इसे रिपेयर करने का मतलब है कि नया पीसीबी, उससे अच्छा नया पीसीबी लगा लें, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत लगेगा पीसीबी रिपेयर करने में, और हो भी सकता है कि पीसीबी रिपेयर ना हो,
पीसीबी रिपेयर नहीं होने के योग्य में है ये, क्योंकि इसमें जो पतले पतले पीछे से प्रिंटिंग होते हैं पीसीबी के प्रिंटिंग जो होते हैं वो जल चुका है। और पीसीबी का प्रिंटिंग जब जल जाएगा तो जैसे कंपनी प्रिंटिंग बना के देती है वैसा प्रिंटिंग कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी पीसीबी रिपेयर करने वाला नहीं कर सकता है। इसलिए इस पीसीबी को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इस पीसीबी को सीधा चेंज करना ही पड़ेगा। तो सेम पीसीबी उसे कंपनी वाले करते भी क्या हैं, चाहे हिटैची वाले हों, चाहे एलजी वाले हों, या फिर सैमसंग वाले हों, या फिर गोदरेज वाले हों, कोई भी कंपनी वाले हैं, सीधा कहते हैं कि पीसीबी को चेंज कर दीजिए, पीसीबी को रिपेयर नहीं करना है। जो कि डीसी इन्वर्टर या फिर इन्वर्टर एयर कंडीशनर का पीसीबी जल्दी रिपेयर करने का सजेस्ट नहीं करते हैं कंपनी वाले, सीधा कहते हैं पीसीबी चेंज कर लीजिए। तो इस पीसीबी को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जल चुका है। पहले इंडोर का पीसीबी चेक करिए, इंडोर का पीसीबी अगर सही है तो आउटडोर की पीसीबी में देखिए, आउटडोर का पीसीबी वहाँ पर या तो कुछ रिएक्टर या फिर कुछ और पार्ट जले होंगे, यहाँ पर तो पीसीबी में पूरे एक हिस्सा पूरा जल गया है, इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से इंडोर का ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है। आप इसे चेंज करें, चेंज करने के बाद ये नॉर्मली काम करने लगेगा। और ये जलने का क्या फॉल्ट है, किस वजह से इस तरह से पीसीबी जला है, जिस किसी भाई के पास इसका आंसर है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजें मुझे कि आखिर क्या कारण था जिसके वजह से इतनी बुरी तरह से यह पीसीबी जला है, और इसके नीचे कौन कौन से पार्ट जले हैं इसको भी बताइए, मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो था आपको पसंद आया होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या फॉल्ट था और कैसे इसे फिक्स करें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, इन्वर्टर एयर कंडीशनर और डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर, अब मैं बारी बारी से शुरू करूंगा और कंप्लीट बताऊंगा। इससे पहले हमारे चैनल पर ज़्यादा वीडियो नहीं है, वीडियो है ही नहीं, ना के बराबर है वीडियो नहीं है डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर या फिर इन्वर्टर एयर कंडीशनर के ऊपर वीडियो नहीं है, लेकिन अब इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के ऊपर मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश इलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।